फेमस टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा। शो के आगे आने वाले एपिसोड में उषा मौसी और ईशान का एक दूजे से होने वाला है सामना। वेल, अब ईशान आहिस्ता आहिस्ता सभी के प्यार में पड़ता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ईशान को सभी से प्यार होता जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ईशान इस प्यार का इजहार कर पाता, इससे पहले कि ईशान सभी को लेकर अपने जज्बात सामने ला पाता, सबसे कुछ भी कह पाता, कहानी में आ जाएगा नया ट्विस्ट और सभी की मालकिन बनकर हो जाएगी शो में उषा मौसी की धमाकेदार एंट्री। आगे आने वाले ट्रैक में उषा मौसी की एंट्री होने वाली है और उषा मौसी की एंट्री ईशान के सामने सारे राज खोलने वाली है। उषा मौसी की एंट्री होगी और उषा मौसी ईशान से सवाल शुरू करेंगी। ईशा मौसी ईशान को सभी से दूर रहने के लिए कहेंगी। वो ईशान से कहेंगी कि सभी के माता और पिता दोनों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द ही था। सभी के माँ बाप ने एक दूजे से प्यार किया बे इंतहा, लेकिन जिंदगी भर एक दूजे को दर्द में ही देखते रह गए। मैं नहीं चाहती कि मेरी सभी को वो दर्द मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मेरी सभी अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करे, अपने आई बाबा का सपना पूरा करे और इस सपने के बीच में मेरी सभी को प्यार की रोग कभी ना लगे। ईशान का दिल उषा मौसी की ये बातें सुनकर पूरी तरह से टूट जाएगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में कहानी किस मोड पर जाती है, शो के आगे आने वाले एपिसोड में सच जान लेने के बाद अब ईशान सभी को लेकर अपने जज्बातों को बढ़ाता है या उनका गला घोट देता है, आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सभी ईशान के बीच की नजदीकियां बढ़ते देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें बताना बिल्कुल न भूले।